हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को किस तरह बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हमें लहसुन को तोड़ लेना है, यानी उनकी लहसुन की सारी कलियों को अलग कर लेना है। अलग कर लेने के बाद उस करीब आधा किलो लहसुन के लिए एक बड़ा टेबल स्पून ऑयल ले लें और उसको अच्छे से लहसुन पर डालकर सारे लहसुन की कलियों में अच्छे से लगा दें। इससे क्या होता है, हम लहसुन को बड़ी आसानी से छील सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तेल अच्छे से सारी कलियों में लग जाए। तेल लगाने के बाद इसको अच्छे से स्प्रेड करके रख लें और धूप में रख दें। 2 से 3 घंटे के लिए इसको तेज़ धूप में रख दें, छिलके बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम जिंजर किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेने से इसको साफ़ करने में बड़ी आसानी होगी। अब तोड़े हुए छोटे टुकड़ों को अच्छे से पानी में साफ़ कर लें ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। अगर टुकड़े छोटे हों तो बहुत आसानी से हम इसको साफ़ भी कर सकते हैं। देखिए, सारी मिट्टी अच्छे से साफ़ हो रही है, सारी मिट्टी निकल गई है। इसी तरह सारी अदरक को हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद अदरक को करीब आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगोकर रख दें। इसको अच्छे से साफ़ करिए ताकि थोड़ी भी मिट्टी ना हो। और भीग जाने के बाद आप नाइफ से आराम से अदरक को छीलकर साफ़ कर सकते हैं। तो जब दोनों चीज़ हो जाए, यानी हमने अदरक भी साफ़ कर लिया है और लहसुन भी साफ़ कर लिया है, उसके बाद अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर रख लें। इससे क्या होता है, पीसने में भी बड़ी आसानी होती है। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि मसाला बहुत पतला ना हो जाए। इसको अच्छे से पीस लें, और अगर इसको पीसने के बाद इसको आप करीब 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो अदरक और 1/2 किलो लहसुन लिया है। इसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अगर आप इसका कलर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लें, करीब 2 चम्मच या 2 बड़े चम्मच या 3 चम्मच लेमन जूस ऐड कर लें तो इसका कलर भी बना रहेगा। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, मसाला भी बहुत फ्रेश रहेगा, जिसको पकाने में बड़ी आसानी होगी। इसको अच्छे से पीस लें। तो देखिए, हमारा मसाला पिसकर रेडी है। आप इसको किसी भी ग्लास कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं या किसी भी प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।